तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो भाई, अभी हम उसी डेस्टिनेशन पे हैं जहाँ पे पहले थे, केनार्ड में, हिमाचल में। और ये देखिए, ये खड़ी हमारी तीन बाइकें, हालांकि दो निकली थी, फिर तीन हो गई थी। और कल रात में क्या हुआ भाई, रात में हम रुके थे, मैं रुका था इस वाले कॉटेज में, क्योंकि हमें एक राइडर ने ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं आज अकेले जाके सोता हूँ, मेरे को एडिटिंग करनी थी, तो रात में वो परेशान होते। तो फिलहाल मौसम का अपडेट कुछ ऐसे, हिमाचल में हो रही है भाई बारिश, अभी रुक गई है, पूरी रात भर बारिश हुई है, बट यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए कितना हसीन खूबसूरत नज़ारों के बीच में हम रुके हुए थे। और थोड़ा इधर जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से पूरी वैली देखने को मिल रही है आपको, पूरा 360 व्यू कुछ इस तरह से है। और भाई, अगर लास्ट कैंपिंग के व्लॉग्स नहीं देखे तो भाई जाओ कैंपिंग के व्लॉग्स देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिलहाल अभी बाइक पर सामान बांधेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। सो भाई, बारिश का क्या सीन है, बारिश ना आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो हमने भी डिसाइड करा अब हम करेंगे बारिश में राइड। फिलहाल हमारी बाइक पूरी हो गई है रेडी, और चाचा जी तो पूरे रेडी होकर घूम रहे हैं। लेकिन भाई, मैं चाचा जी की देखो बाइक दिखाता हूँ, अगला जो मॉडिफिकेशन कराना है मेरे को, दो चीज़ें करानी है देखो। एक तो विंडशील्ड की प्रॉब्लम मैंने पहले ही पूछी थी, ये यहाँ से इन्होंने उड़ा दी, बहुत बढ़िया जुगाड़। और लगाने भाई, ये इनकी आवाज़ नहीं सुनाऊंगा, आवाज़ सुनाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, गाने नहीं चलाऊंगा। देख रहे हो भाई, हिमालयन में जितनी चीज़ देखो ना उतनी कम पड़ती है। मैंने सोचा था मेरी बाइक पूरी परफेक्ट है, लेकिन अभी मैंने चाचा जी की बाइक देखी, मेरे को लगता है मेरी बाइक परफेक्ट है। तो देखो, ये रहे चाचा जी, ये देखो भाई, और ये रही दोनों बाइकें। तो फिलहाल चलते हैं, ज़रा कैमरे को वाटर प्रूफ करके चलाएंगे बाइक, तो मिलते हैं बाइक पे। यहाँ से कर दिया हमने अलविदा, फिलहाल हम नीचे उतर रहे हैं और अब हम आ चुके हैं बाइक पे। देखे, दो जने आए थे, अब तीन जने हो गए। सो देख रहे हो भाई रास्ता कैसा था, यानी कि भाई यहाँ पे गाड़ी वाड़ी सब चीज़ें आराम से आ सकती है। तो भाई, आप लोग यहाँ पे आइए, अपना स्टे कीजिए, मस्त जगह थी भाई, मैं भी यहाँ दो दिन रुका हूँ। सो भाई, जैसे जैसे हम जलोरी पास की तरफ जा रहे हैं ना, हमें बारिश थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा तेज़ मिलती जा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर प्रूफ हो रखे हैं अभी हम, बस थोड़ी सी एक दिक्कत है, जो मैंने चेयर और स्टूल ले रखा है वो वाटर प्रूफ नहीं है। फिलहाल आप देखिए रास्ते, ठीक है, ये देखो भाई, ये हैं फिलहाल यहाँ के पतले पतले रास्ते, ये देखो भाई, और हरियाली हो रखी है, लेकिन बर्फ़ में राइड करने में, बर्फ़ में कह रहा हूँ, अभी विंटर स्मृति कहता है ना, जैसे मुँह पर बर्फ़ चढ़ा हुआ है, बारिश में राइड करने में ना मज़ा सा आ रहा है। तो भाई, अभी हम उतर रहे हैं जलोरी पास से नीचे की तरफ, ये था जलोरी माता का मंदिर। पता नहीं मैंने रिकॉर्ड कर पाया नहीं कर पाया बारिश की वजह से, बट फोटो खिंचवाई है, देखो एक दो फोटो, इस पन्नी को इग्नोर करना, कैमरा भी तो वाटरप्रूफ बनाना है। और भाई, वैसे अगर यहाँ पे आप स्नो विंटर में आओगे ना, तो आपको बहुत ही अलग से एक्साइटमेंट वाली फील मिलेगी। आई बटन में मैं आपको इसका विंटर का व्लॉग भी दिखा दूँगा, जाइए वो व्लॉग भी देखिए विंटर में यहाँ पर कैसा रहता है। सो भाई, फाइनली ऊपर से खनाक से तो हम नीचे आ गए हैं जिब्बी में। तो यहाँ से रोहतांग पास है 148, मनाली 98, कुल्लू और 58, बंजार 8 किलोमीटर, ठीक है, अच्छी जगह है। अब हम भी चलते हैं, ज़रा एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। आज की डेस्टिनेशन क्या है हमें नहीं पता, आज हम कर रहे हैं रिटर्न। तो मैंने ना इससे अपने इसका कवर भी फाड़ दिया, अब मेरे को ऐसा लग रहा है बारिश होगी नहीं, जहाँ पर होगी रोक के एक बार लगा लूँगा। तो फिलहाल ये जिब्बी की मार्केट है भाई, यहाँ पे ना एक तरफ ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, जब बर्फ़ आ रही होती है ना तो पूरा ट्रैफिक पीछे रोक दिया जाता है ताकि उसको क्लियर करें। अभी हमारे साथ भी ऐसी हुआ, हमें इसलिए खुला मिल गया। सो यार, अभी ना मौसम तो अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा मन भी कर गया कि हिमाचल में रुक जाते हैं, आज थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया, अभी घर ना जाके ना हम चल रहे सीधा मनाली की तरफ। और आज करेंगे मनाली में लोकल साइट सीन्स और एक जगह होटल देखते हैं कोई बढ़िया सा। ये आ गया है मनाली का टोल टैक्स, अरे भाई भाई कुछ अलग ही ब्रेकर था, छोटा सा दिखा नहीं तो इसको, तो ये मनाली का तनिया तो कुल्लू का टोल टैक्स है। फिलहाल ना आगे ऐसा मौसम लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और मैंने अपना रेनकोट भी उतार के रख दिया है। सो भाई, अभी हम कुल्लू के पास रुक गए राफ्टिंग पॉइंट पे, तो ये देखिए यहाँ पे होती है राफ्टिंग। सो फिलहाल अभी हम यहाँ पे रुक गए भाई, अगर आप राफ्टिंग करना आना चाहते हैं ना, कुल्लू में करना चाहते हैं राफ्टिंग, तो भाई के पास आ सकते हैं राफ्टिंग करने। आपकी क्या, कौन सी जगह है भाई राफ्टिंग की, बताओ। भवेली, भवेली। आपका क्या नंबर है दुकान का? 909। चलो देखो भाई, राफ्टिंग करनी तो 909 में आ सकते हैं। और अभी फिलहाल हमने यहाँ पे लगाई है अपनी बाइक, राफ्टिंग भी आपको यहीं से मिल जाती है, पीछे पॉइंट्स आप राफ्टिंग बुक कर सकते हैं और यहाँ पे आके राफ्टिंग करवाई जाएगी आपको, और एक बड़ी वाली भी होती है और आगे भी ले जा सकते हैं। सो फिलहाल अभी मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहा हूँ कि भाई यहाँ से लद्दाख जाऊँ या यहाँ से वापस घर जाऊँ और कश्मीर से लद्दाख आऊँ। तो देखते हैं शाम को मून क्या करता है, ये चीज़ तो हमें अपने अगले व्लॉग में पता लगी। फिलहाल अभी मनाली पहुँच लेते हैं भाई, आज मैं आपको दिखाता हूँ मनाली में कहाँ पर रुकने के लिए बढ़िया जगह है। देख रहे हो, अभी हम जा रहे हैं एक रिसोर्ट में, नाम तो मुझे भी नहीं पता, वहाँ जाते हैं पता लगेगा फिर।
सो भाई फाइनली अभी हम आ चुके हैं जंगल के बीच में। मैं आपको रिसोर्ट दिखाता हूँ भाई। अरे भाई नहीं, हम दिल्ली वालों को तो ये जंगल के बीच में रहना होता है रिसोर्ट में। ये लोकेशन एक ऑसम। नहीं नहीं कोई नहीं, यही डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो भाई मैं अभी आपको ना यहाँ के कुछ ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, लेकिन भाई अगर आप आते हैं और वीडियो देख रहे हैं भाई मनाली में इस जगह पे जरूर रहें। देखिए भाई यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ पे सेब के पेड़ भी हैं, पालम भी है, और ये पता नहीं क्या था, ये पालम पुलम ही कुछ बताया था मेरे को। सो फिलहाल अभी यहाँ पे हमने लगा दी अपनी बाइक। तो ये देखिए भाई हमारी बाइक कहाँ पे लगी हुई है। तो अगर आप भाई यहाँ पे आएंगे ना, मैं लोकेशन मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे मिलेंगे आपको ये वाले भाई। तो थोड़ी देर में इसकी और डिटेल में बताता हूँ। अच्छा किसी की बाइक्स आएंगी तो यहीं लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और गाड़ी गाड़ी वहाँ पे लगेगी। गाड़ी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ के और डिटेल्स बताता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो चाचा जी कैसे है रूम? अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया नंबर। सो भाई देखिए ये है आज का हमारा स्टे, आज होगा हमारा स्टे यहाँ पे। फिलहाल हमारे रूम के बाहर देखो क्या है, छोड़ो तुम ये देखो भाई। चाहिए किसी को भाई? चाहिए तो कमेंट में बता देना। किसी को नहीं चाहिए, मेरे लिए कम पड़ जाएगा। अपनी लेकर आना भाई। सो ये देखो ये हमारे बाहर का नज़ारा, और भाई अगर आप आएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। फिलहाल ना हमने अपना बाइक वाइक सब उतार उतूर के रख दिया, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे हैं, और यहाँ की प्रॉपर्टी के भी लेते हैं कुछ ड्रोन शॉट। तो चलो मिलते हैं ड्रोन शॉट में। ये थे यहाँ के कुछ ड्रोन शॉट भाई। मैं आपको प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी की डिटेल्स और यहाँ का रास्ता भाई से पूछवाता हूँ, अगर भाई को शर्म ना आए तो। भाई प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है हमारी का दब्यास हिल रिसोर्ट मनाली। ठीक है। और ये पड़ती किधर है? नियर बाय है भानुपुल। भानुपुल। और यहाँ से माल रोड कितनी दूर है? माल रोड है यहाँ से 3 किलोमीटर। और अगर किसी को आना हो कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर 720-695-6040 परमजीत। ठीक है। तो देख लिया भाई ये है यहाँ के रिसोर्ट की डिटेल, बाकी मैं थोड़ी और डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आपने अगर ड्रोन शॉट कैसे लगे हैं वो मुझे कमेंट में बताइए। और ये देखिए भाई ये यहाँ की हरियाली है, और वो रहा मेन रोड जो हाईवे, और हाईवे से थोड़ा सा अंदर आना है, साथ में यहाँ पे नदी बह रही है। तो फिलहाल ना थोड़ा सा कुछ मैं खा लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो भाई अभी ना रात हो गई है, और रात में का सीन हमारा कुछ ऐसा, अभी हम जाएंगे मॉल रोड, तैयार व्यार होते हैं, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि ना वीडियो में थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, तो इस वीडियो को थोड़ा और लंबी करेंगे। अभी चलेंगे मॉल रोड, मॉल रोड पे देखते हैं माल, देखेंगे क्या मिलता है माल खाने पीने का। और भाई ये हमारे दोनों सीनियर राइडर, बहुत सीनियर राइडर, जिनसे मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है भाई। इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता मैं। रूम तो एक नंबर है, लेकिन जो आप बाइक भगा दो ना दोनों, हालांकि ना देखो चाचा जी ने भाई रेस लगा दे सच। क्या करा आपने? मैं देख रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो, डोमिनर को भी ऐसा लग रहा था पीछे छोड़ने वालों, पकड़ में नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे। नहीं भाई सच्चे में कसम से, मैं सोलो राइड करता था मुझे लगता है मुझे कोई नहीं पकड़ सकता था, लेकिन आज मैंने भाई इनके साथ राइड करी, और सेम बाइक है हमारे पास, इनको तो ये मैंने देखा फोर, और पूरे पाली भैया को पूरे टक्कर में थे, एक दूसरे से आपस में लगे पड़े थे। मैं तो अपना धीरे हो गया कि भाई इन्हें जाने दो, उसके बाद आराम से मिल लूँगा भाई से। और फिलहाल हमारा रूम ये है, ये देखिए, सर्दी में आना तो भाई सर्दी में आ सकते हैं, पूरा यहाँ पे जुगाड़ है। और तीसरा रूम तो ये है भाई, ये देखो किसी रूम से कम नहीं है, किसी रूम से कम नहीं है ये। सो चलो भाई चलते हैं जरा मॉल रोड की तरफ, चलते हैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। फाइनली हम माल रोड के पास आ चुके हैं। देखिए भाई रात में यहाँ पे कितना जाम है, और अभी हमने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी, हालांकि यहाँ चलान होते हैं, दिन में आप ऐसी बाइक यहाँ पे पार्क मत करना। तो फिलहाल अभी हम घूमते हैं मॉल रोड, यहाँ देखते हैं मॉल। सो भाई अभी हम आ गए हैं मनाली के मॉल रोड पे। फिलहाल देख रहे हो पाले वेदो पुल अपनी राइडिंग जैकेट में, अच्छा जी, और मैं तो आ गए घर के कपड़ों में, हाँ ठंड से बचने तो करने पड़ेगा। और भाई यहाँ देखो भीड़,
यहाँ भीड़ रहती है 12-1 बजे तक। मॉल रोड आते हैं तो भाई यहाँ पे अपना शॉपिंग करें, मस्त तरीके से घूमे घामे। शॉपिंग में लूटमार बहुत होती है, लूटपाट बहुत है। हाँ बहुत ज्यादा यहाँ भाई, सारी चीजें ना दिल्ली से आती हैं, दिल्ली से खरीद लो, यहाँ से तो खरीदो बट सोच समझ के, दुकानदारी नहीं खराब करेंगे, सोच समझ के खरीदो। बैठो, आपका पराठे हो गए। हाँ सो अभी क्या है ना भाई, देखो मॉल रोड पे जितना ज्यादा आप जाओगे उतना ज्यादा रेट आपको मिलेंगे। तो मॉल रोड के पीछे वाली गली में मैं आपको जगह दिखाता हूँ, खाना खाने हो तो कहाँ पे आया करो। सो ये देखो भाई, बिल्कुल मॉल रोड के पीछे द हिमालयन फास्ट फूड कॉर्नर। तो अभी यहाँ पे भी खा रहे हैं खाना, हमारे बन रहे हैं अभी पराठे। जहाँ रुके हैं ना भाई, यहाँ का खाना एक नंबर, पराठे खाए हमने भाई एक नंबर पराठे, तो भाई मजा आ गया। भैया पराठे का रिव्यू कैसा था? गोभी तो भाई वाकई में, और जो है सबसे बड़ी बात ये लगी कि यहाँ पे ना आटा जो मिलता है वो चक्की आटा मिलता है, मील वाला नहीं, मील वाला नहीं मिलता। और सब करारा क्रिस्पी, अभी एक और पराठा आने वाला, हम दिखा देंगे उनको एक बार। सो भाई यहाँ पे जो मतलब खाना मिला ना पूरे मनाली में, इतनी बार घूम लिया मनाली लेकिन खाना पहली बार ही अच्छा मिला भाई, टेस्ट आ गया सच्चे में। अभी आपको आलू पराठा आ रहा वो भी दिखाता हूँ जरा। आ गया हमारा आलू प्याज का पराठा बटर के साथ, खा लेते हैं आप जरा। तो अभी खाना खा के आए भाई मॉल रोड पे, देखो यहाँ मसाज वाले भाई, मसाज करा लो, मसाज करा लो। सो ये अभी लगे हुए हैं मसाज कराने में। अब मेरे ख्याल से मॉल रोड को खाली करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं, आप पूरी रात भर बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। फिलहाल ये मांगते हैं भाई 200-200 रुपये, लेकिन 50 रुपये में भी कर देंगे अगर आप करवाना चाहो तो। ये है यहाँ का मॉल रोड, और अभी हम चलेंगे अपने होटल पर।